मूसा सख्त गुस्से और पूरे गम में लौटे थे और अपने भाई हारून सलाम की तरफ गुस्से से बढ़ गए और उनके सर के बाल थाम कर अपनी तरफ घसीटने लगे आपने अपने भाई और अपने जानशीन को मलामत करनी शुरू की कि इस परस्ती के शुरू होते ही तुमने मुझे खबर क्यों न की क्या जो कुछ मैं तुम्हें कह गया था तुम भी उसकी विरोधी बन बैठे मैं तो साफ कह गया था कि मेरी कौम में मेरी जानशीनी करो इस्लाह के दर पे रहो और फसाद मचाने वालों की न मानो हारून सलाम ने जवाब देते हुए कहा कि ऐ मेरे भाई मन में तो मेरे भी आई थी कि आपके पास आकर आपको इसकी खबर करूं लेकिन फिर ख्याल आया कि इन्हें तनह छोड़ना मुनासिब नहीं कहीं आप मुझ पर न बिगड़ बैठे कि इन्हें तनह क्यों छोड़ दिया और याकूब के औलाद में ये जुदाई क्यों डाल दी और जो मैं कह गया था उसकी निगहबानी क्यों न की बात यह है कि हारून आलाम में जहां इताअत का पूरा मादा था वहाँ मूसा आसमाम की इज़्ज़त भी बहुत करते थे और उनका बहुत ही लिहाज रखते थे अलहमद लापीआलमीन वाला तोलाम रसोलमीन अम्माबाद अल्लामक वरह वबरकू मैं मोहम्मद आमिर सल की तफ़ी लेकर हाज़िर हो चुका हूँ आज इन शाह आयत नंबर बयानबे से लेकर अठानबे तक की तफ़ी हम पढ़ेंगे आइए इस तफ़ीर की शुरुआत हम करते हैं मूसा ने कहा हारून तुमने जब देखा था कि ये गुमराह हो रहे हैं तो किस चीज़ ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था कि मेरे तरीक़े पर अमल ना करो क्या तुमने मेरे हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी की यहाँ हुक्म से मुराद वो हुक्म है जो पहाड़ पर जाते वक्त और अपनी जगह हज़रत हारून आलाम को बनी इसराइल की सरदारी सौंपते वक्त हज़रत मूसा सलाम ने दिया था सुर आराफ़ में इसे इन अल्फाज में बयान किया गया है और मूसा ने जाते हुए अपने भाई हारून से कहा कि तुम मेरी कौम में मेरी जानशीनी करो और देखो इसलाह करना फसाद मचाने वालों के तरीक़े की पैरवी न करना आयत नंबर चौरानबे में कहा गया है हारून अल्लाम ने जवाब दिया अ मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी ना पकड़ न मेरे सर के बाल खींच मुझे इस बात का डर था तू आकर कहेगा तुमने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरी बात का पास ना किया मूसा इंतहाई शिद्दत और सख्त गुस्सा की हालत में ये बातें अपने भाई से कह रहे थे और उनके सामने चीख रहे थे जबकि उनकी दाढ़ी और सर को पकड़ा हुआ था और खींच रहे थे हारून सलाम ने जब अपने भाई को शदीद परेशान देखा इस वाक्य के सिलसिले में अपना उज़्र पेश करने के लिए कहा मेरे भाई दाढ़ी और सर को न पकड़ मैंने तो ये सोचा कि अगर मैं मुकाबले के लिए उठ खड़ा होता और उनकी गिरफ्त करता तो बनी इसराइल में एक तफरका पड़ जाता और मैं इस बात से डरा कि कहीं तुम वापसी पर कहने लगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान तफरका क्यों डाला और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी नसीहत का ख़्याल क्यों नहीं रखा दर हकीकत हजरत हारन ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं उन पर सख्ती और गिरफ्त करता तो वो तुम्हारे हुक्म के बरखिलाफ़ होता और तुम ही वापस आकर मुझसे सवाल करते इसी तरह हजरत हारुन सलाम ने अपनी बेगुनाही को साबित कर दिया हज़रत हारन की पूरी बात समझने के लिए इस आयत को शुर आराफ़ की आयत नंबर एक सौ पचास के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए वहाँ वो फरमाते हैं कि मेरी माँ के बेटे उन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते बस तुम दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दो और इस जालिम गिरोह में मुझे शुमार न करो अब इन दोनों आयतों को जमा करके देखिए तो असल वाकये की ये तस्वीर सामने आती है कि हज़रत हारून हारन ने लोगों को इस गुमराही से रोकने की पूरी कोशिश की मगर उन्होंने हारन आम के खिलाफ सख्त फसाद खड़ा कर दिया और आपको मार डालने की कोशिश की मजबूरन आप इस अंदेशे से खामोश हो गए कि कहीं हज़रत मूसा साम के आने से पहले यह खाना जंगी बर्पा न हो जाए शुर आराफ़ वाली आयत के आखिरी हिस्से से यह भी मालूम होता है कि कौम में दोनों भाइयों के दुश्मनों की एक तादाद मौजूद थी और आयत नंबर पंचानवे इस तरह है मूसा ने कहा और सामरी तुम्हारा क्या मामला है आयत नंबर छियानवे में मूसा सलाम के इस सवाल का जवाब देते हुए सामरी ने कहा उसने जवाब दिया मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नजर न आई बस मैंने रसूल के नक्श कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसको डाल दिया मेरे नफ्स ने मुझे कुछ ऐसा ही सुझाया अपने भाई से गुफ्तु करने और उनके बड़े जिम्मा साबित होने के बाद सामरी से पूछताछ शुरू की उसने जवाब में कहा मैंने एक चीज़ अल्लाह के भेजे हुए रसूल के आसार में से ली और फिर मैंने उसे दूर फेंक दिया और मेरे नफ्स ने इस बात को इसी तरह मुझे खुशनुमा करके दिखाया इस बारे में कि इस गुफ्तगू से सामरी की क्या मुराद थी मुफसरीन के दरमियान दो तफसीर मशहूर हैं पहले ये कि इसका मकसद ये था कि जब फिरौन का लश्कर दरियाए नील के पास आया तो मैंने जबरील आलम को एक सवारी पर सवार देखा वो लश्कर को दरिया के सूखे हुए रास्ते के ज़रिए से गुजारने के लिए उनके आगे आगे चल रहे थे मैंने कुछ मिट्टी उन पाओं के नीचे से या उनकी सवारी के पाओं के नीचे से उठा ली और उसे संभाल कर रखा और उसे सोने के बछड़े के अंदर डाला और इस बछड़े की आवाज़ उसी की बरकत से पैदा हुई है और दूसरी तफसीर यह है कि मैं शुरुआत में अल्लाह के उस रसूल यानी मूसा सलाम के कुछ आसार पर ईमान ले आया इसके बाद मुझे उसमें कुछ शक हुआ लिहाजा मैंने उसे दूर फेंक दिया और बुत परस्ती के दीन की तरफ मायल हो गया पहली तफसर के मुताबिक लफ्ज़ रसूल जबराम के मानी में है जबकि दूसरी तफसीर के मुताबिक रसूल मूसल के माने में है बहरहाल इन दोनों तफासिर में से हर एक के तरफदार हैं और इनमें कुछ रोशन और गुंजलक बातें मौजूद हैं अगली आयत में फरमाया मूसा ने कहा अच्छा तो जा अब जिंदगी भर तुझे यही पुकारते रहना है कि मुझे न छूना और तेरे लिए बास का एक वक्त मुकर है जो तुझसे हर चीज न टलेगा और देख अपने इस खुदा को जिस पर तू रिझा हुआ था अब हम उसे जला डालेंगे और रेजा रेजा करके दरिया में बहा देंगे यानी सिर्फ यही नहीं कि जिंदगी भर के लिए माशरे से उसके ताल्लुक तोड़ दिए गए और उसे अछूत बनाकर रख दिया गया बल्कि ये जिम्मेदारी भी उसी पर डाली गई कि हर शख्स को वो खुद अपने अछूतपन से आगाह करे और दूर ही से लोगों को मुतला करता रहे कि मैं अछूत हूँ मुझे हाथ ना लगाना ये बात साफ तौर पर वाज है और रोशन है कि मूसा सलाम के सवाल के जवाब में सामरी की बात किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं थी लिहाजा हज़रत मूा ने उसके मुजरिम होने का फरमान उसी अदालत में सादिर कर दिया और उसे और उसके सोने के बछड़े के बारे में तीन हुक्म दिए पहला हुक्म ये कि उससे कहा तुम लोगों के दरमियान से निकल जाओ और किसी के साथ मेल मिलाप न रखो और तुम्हारी बाकी ज़िंदगी में तुम्हारा हिस्सा सिर्फ इतना है कि जो शख्स भी तुम्हारे करीब आएगा तो उससे कहोगे कि मुझे मत छुओ इस तरह मूसा आसमाम ने दो टोक फरमान के जरिए से सामी को माशरे से बाहर निकाल फेंका बाज़ मुफसरीन ने कहा है कि मुझे मत छुओ ये जुमला शरीत मूसा से एक फौजदारी कानून की तरफ इशारा करता है कि जो बाज़ ऐसे अफराद के बारे में कि जो संगीन जुर्म के मरतकब होते थे सादिर होता था वो शख्स नापाक करार पाता था कोई उससे मेल मिलाप ना रखता और ना वो किसी से मेल मिलाप रखता सामरी इस वाकये के बाद मजबूर हो गया कि वो बनी इसराइल और उनके शहर और दरिया से बाहर निकल जाए और बयाबानों में गुम हो जाए और ये उस इंसान की सजा है कि जिसने बिदौतों के जरिए से मुा के दिन को बिगाड़ना चाहा था और लोगों को मुलम के दीन से फेरना चाहा था बाज मुफसरीन ने यह भी कहा है कि सामरी का बड़ा जुर्म साबित हो जाने के बाद हजरत अलैहिस्सलाम ने उसे निकाल दिया और अल्लाह ने उसे एक असरार बीमारी में मुब्तला कर दिया कि जब तक वो जिंदा रहा कोई शख्स उसे छू नहीं सकता था और अगर कोई उसे छू लेता तो वो भी बीमारी में गिरफ्तार हो जाता या ये कि सामरी एक किस्म की नफ्सियाती बीमारी में गिरफ्तार हो गया इस तरह से कि जो शख्स भी उसके नज़दीक होता वो चिल्लाता के लामिस यानी मुझे मत छूना सामरी के लिए दूसरी सज़ा ये थी कि हज़रत मूसा सलाम ने उसे क्यामत में होने वाले आजाब की भी खबर दी और कहा तेरे आगे एक वादा गाह है अल्लाह का दर्दनाक अजाब का वादा कि जिससे हर किस नहीं बच सकोगे तीसरी बात यह थी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से कही अपने इस माबूद को कि जिसकी तू हमेशा इबादत करता था ज़रा देख और निगाह कर हम इसको जला रहे हैं और इसके ज़रात को दरिया में बिखेर देंगे और आज की आखिरी आयत में कहा गया लोगो तुम्हारा माबूद तो बस एक ही अल्लाह है जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं है हर चीज़ पर उसका इल्म हावी है आखिरी जुमले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मसला तौहीद को बहुत ज़्यादा ताकीद करते हुए अल्लाह की हाकमियत को वाजह किया और इस तरह कहा तुम्हारा मबूद सिर्फ़ अल्लाह है वही अल्लाह कि जिसके सिवा कोई और महबूत नहीं है वही कि जिसके इल्म ने तमाम चीज़ों का अहाता किया हुआ है वो गढ़े हुए बुतों की तरह नहीं है कि जो न किसी बात को सुनते हैं न कोई जवाब देते हैं कोई मुश्किल हल करते हैं और ना किसी नुकसान को दूर करते हैं आज के लिए इतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें आज की इन आयतों को अच्छी तरह समझने और इससे जो हमें सबक हासिल हुआ है उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته